अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएम स्पेशल के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। इस प्रोग्राम का इंतज़ार जितना आपको होता है उससे ज़्यादा इंतज़ार मुझे होता है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उस हम सबसे ज़्यादा इंतज़ार हमारे इस टीम को होता है जो डीएम स्पेशल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में और हर तरह से इस प्रोग्राम को प्लान करने में यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में ख़ासतौर पर उनकी दिलचस्पी होती है और इस प्रोग्राम का इंतज़ार उनको हम सबसे बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह यह है कि इस प्रोग्राम में हमें मौका मिलता है कि हम लाइव म्यूज़िक से महसूस होते हैं। और मैं कई दफ़ा इस बात को कह चुकी हूँ अपने प्रोग्राम में, बल्कि एक चैलेंज है कि ये एक वाहिद प्रोग्राम है जिसमें लाइव म्यूज़िक आप देखते हैं, सुनते हैं, फनकार यहाँ होते हैं, म्यूज़िक यहाँ पर होता है और म्यूज़िक के साथ एक लाइव परफॉर्मेंस। बहुत कम चैनल्स ऐसे हैं, बल्कि मैंने वैसे ऐसे चैनल्स देखे नहीं जहाँ पर लाइव म्यूज़िक हो रहा हो। ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है और इसको करना, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना और इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करना अब तक एक चैलेंज है अपने आप में। तो इसलिए आप सब लोग इस प्रोग्राम को बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आज मैंने अपने प्रोग्राम में तकरीबन 3-4 हफ्तों के बाद दोबारा बुलाया। और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस बात की कि जी रफ़ी साहब के गाने, रफ़ी साहब की गानों की फरमाइशें हम करते रहते हैं अक्सर, हमें ऐसे सिंगर चाहिए जो कि हमें पूरे प्रोग्राम में सिर्फ रफ़ी साहब की फरमाइशें हमारी पूरी करें, उनके गाने हमें सुनाएं। डीएम स्पेशल में उनको आप इस प्रोग्राम से पहले भी इस प्रोग्राम में 3-4 मरतबा सुन चुके हैं, बहुत सराहा आपने उनको, उनकी परफॉर्मेंस को, और उनका अपना एक लगाव है रफ़ी साहब के साथ, उनकी अपनी एक रफ़ी साहब के साथ दिली तौर पर वो एक तरीके से वाबस्ता है, उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानते हैं। बहुत सी बातें आज हम करेंगे इस प्रोग्राम में, शायद पिछले प्रोग्राम में हमें उनसे मौका नहीं मिला। कुछ हफ्ते पहले आसिया समन जी के साथ यहाँ पर थे और वो प्रोग्राम भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। आसिया जी की तो क्या बात है, बहुत अच्छी वो सिंगर हैं, बहुत अच्छी फनकारा हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक मरतबा फिर अपने मेहमान को मधु किया है, आसिफ रफ़ी, उनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। अच्छा, बहुत आपकी फरमाइशें लोगों ने की कि आप दोबारा से इनको लेके आए किसी प्रोग्राम में, और एक पूरा प्रोग्राम जो है वो हो जिसमें हम रफ़ी साहब को एक्सक्लूसिव सुने उनसे। तो आपको कोई फीडबैक मिलता है बाहर जाते हैं, जब आप डीएम स्पेशल में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं एक चीज़ तो ये 100% डन है ये कि रफ़ी साहब से पूरी दुनिया प्यार करती है जी। आप किसी कंट्री में भी चले जाएँ, किसी कंट्री में जाके आप किसी से भी बात पूछें इस रफ़ी साहब के बारे में, तो आप कहीं पे भी देखेंगे रफ़ी साहब के सॉन्ग लाजमी चल रहे होते हैं। लोग उनको इतना पसंद करते हैं कि हर घर में, किसी ना किसी घर में उनकी कोई ना कोई सीडी आपको अवेलेबल होती है जी। तो ये सिर्फ ये मोहब्बत है उनकी, एक तो वो था कि वो एक तो 5 वक्त के नमाजी थे, एक नेक आदमी थे, उनमें कोई बुराई नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत बड़े फनकार थे और मेरे रूहानी उस्ताद हैं। तो मैंने उनसे क्या, उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि मैं कुछ भी नहीं सीखा अभी तक, मैं ये कहूँगा कि इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं सीखा। रफ़ी साहब कहते थे कि ये समुंदर है, इसमें से तो आखिर पे मैंने एक कतरा ये भी निकाला है। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसके लिए कोशिश हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई अच्छा से गीत लोगों के सामने पेश कर सकें। आपने मुझे चंद रोज पहले ही खुद ही आप बता रहे थे कि आपकी रफ़ी साहब से बाकायदा मुलाकात हुई है। नहीं, उनके भाई से हुई है। उनके भाई से मुलाकात हुई। अच्छा, आपको उनके घर जाने का मौका मिला? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो सारी आज गुफ्तगू आपसे करनी है कि कैसे आपकी मुलाकात हुई इनके भाई से, कैसे उनके घर। तो कितने अरसे से, कितने सालों से आप रफ़ी साहब को गा रहे हैं? बेसिकली जी, रफ़ी साहब को तो मैं गा रहा हूँ जी जब मेरी उम्र थी कोई 20-22 साल की थी, जब से मैं इनको सुन रहा हूँ। और सुनते सुनते तो कोशिश की है, कोशिश ही करता हूँ गाने की। तो जैसा रफ़ी साहब गाते हैं वैसा तो नहीं मैं गा सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसमें अपने आप को थोड़ा सा अपनी हाजिरी लगा सकूँ उनके सामने, कि जैसी उनकी मोहब्बत, जैसा उनका प्यार है, लोग सुनते हैं तो लोग अगर मुझे पसंद करते हैं तो उसमें भी रफ़ी साहब की मोहब्बत ही शामिल है ना। तो अगर वो मुझे जानते हैं तो इसी हवाले से जानते हैं कि रफ़ी साहब से एक मेरा ताल्लुक है, एक रूहानी मेरे उस्ताद हैं, और उनसे, उनकी बातों से, उनकी मैं डायरी हैं, उनके जो चीज़ हैं, क्लिप हैं, काफ़ी मैं वो देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ, उससे मुझे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं कि रफ़ी साहब कितने सादे इंसान थे और कितने ही अच्छे इंसान थे वो। कि एक बार वो लता फरमा रही थी कि दीदी लता जो है वो फरमा रही थी, वो कह रही थी कि रफ़ी साहब जो है वो इतने धीमे अंदाज में बात करते थे कि ऐसे लगता था जैसे कोई मोहब्बत भरा कोई बोल रहे हो अंदर से। तो उनका बोलने का अंदाज भी कुछ ऐसा था। तो फिर ये चीज़ें देख के तो फिर मैं तो उनका बिल्कुल ही फ़ैन हो गया ना। मेरे ख्याल लोगों का इंतज़ार नहीं कराते, पहले एक आध परफॉर्मेंस और उसके बाद हम बातें। हाँ जी, मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ रफ़ी साहब का, ये तुझको पुकारे मेरा प्यार जी। Thank you.
तुझको पुकारे मेरा प्यार ओ, तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार आखिरी पल है आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है हमने आजा एक बार आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में जिसको पुकारे मेरा प्यार दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी अब तो चलिया इस पार आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा मुझसे है तेरा इकरार हुए आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार तेरी नजर की ओस पड़े तो बुझे प्यास मिलन की तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की मिल जाए चैन करार आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए तुझको पुकारे मेरा प्यार
तुझको पुकारे मेरा प्यार। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत खूब।